सेंटा आया और काफी सारे ढेर सारे मुनाफे वाले शेयर लेके आया आदित्य बिरला फैशन का। अब हाल ही में सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने इसके टारगेट्स अपग्रेड किए हैं और 240 के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों उन्होंने यहाँ पर टारगेट्स बढ़ाए हैं। पहले आपको बता दें कि लाइफस्टाइल सेगमेंट में जो ब्रांड्स है कंपनी की वो काफी अमेजिंग है। पीटर इंग्लैंड, एलन सोले, लुई फिलिप, ये तमाम आदित्य बिरला फैशन के अंडर आती है, मतलब ये मार्केट करती है इन ब्रांड्स को। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनका इनरवेयर सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत लोग जानते नहीं इनके इनरवेयर सेगमेंट को, लेकिन वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वहां पर काफी आगे जाते हुए अच्छी हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर आप पिछले तिमाही के इनके नतीजे भी देखेंगे तो बहुत अच्छे रहे थे और जो इनकी ट्रिपल एसजी ग्रोथ रही थी वो भी 8% के आसपास रही थी। इसमें भी ट्रिपल एसजी होता है क्या? हाँ बिल्कुल आती है, मतलब इनके भी तो स्टोर्स होते हैं, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो इनकी 8% आई है। सिर्फ जुबिलेंट फूड तक ही जिस भी कंपनी के स्टोर्स होंगे जहाँ पर लोग आकर खरीद सकते हैं उसके सबकी एसएसजी होती है। और आदित्य बिरला फैशन की जो ग्रोथ रही है इस सेगमेंट में वो लगभग 8% के आसपास की रही है। और हमने ये भी देखा था कि जो पिछले तिमाही में मार्जिन थे वहां भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी थी, 6.5-7% के आसपास मार्जिन आ चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में लगातार डिम्पी हमने देखा है, जब शॉपर स्टॉप हो, एबी फैशन हो, इनके मार्जिन बहुत डेंट होते थे। अब ये पॉजिटिव मार्जिन पोस्ट करने लगे हैं, वो भी इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5% के आसपास के इनके मार्जिन रहे हैं पिछले तिमाही में। और इसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखते हुए कंपनी काफी एक्सपैंड भी कर रही है। FY19 में जो इनके टोटल स्टोर्स हैं वो 300, जो टोटल स्टोर का काउंट है वो 300 करने की योजना है। और त्योहारी सीजन जो रहा है Q3 में, वेडिंग सीजन भी रहा है, तमाम फेस्टिवल्स भी रहे हैं, उसकी वजह से इनके जो नतीजे हैं तीसरी तिमाही के वो भी काफी बेहतर आने की उम्मीद है, जो कि जनवरी में कंपनी पोस्ट करेगी अपने नंबर्स। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं और इसीलिए आदित्य बिरला फैशन पर खरीदारी का व्यू है 240 के टारगेट के साथ सीएलएस। और वैसे भी डिम्पी, खाना पीना और कपड़े पहनना ये तो एक ऐसी चीज है कि कोई छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, एबी फैशन आज हमारे लिस्ट में है। सीएलएससी की रिपोर्ट कहती है कि 240 के हिसाब से आप इसमें खरीदारी करें। अलग अलग रीजन आपको दीपाली ने बता दिए। जब ट्रिपल एससी की बात हो रही है, खाने पीने फैशन की बात हो रही है, तो जुबिलेंट फूडवर्क को कैसे भूल सकते हैं, ये तो है ही पार्टी वाला शेयर। तो दिवाशी, जुबिलेंट फूडवर्क है लिस्ट में। बड़ा ही चीजी बर्स्ट वाला स्टॉक है ये, बड़ा ही चीजी स्टॉक है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है कि कितने भी टारगेट्स अचीव हो जाए, नए टारगेट्स कोई ना कोई ब्रोकरेज यहाँ पे ला देता है। फिर से एक बार ये जो ब्रोकरेज की गोल्ड कॉल है, 1850 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे एनालिस्ट है वो काफी बुलिश भी है। Q1, Q2 की ग्रोथ काफी बेहतर रही थी। एक ही यहाँ पे दिक्कत थी कि जो डंकिन डोनट्स के यहाँ पे लॉसेस है वो कब तक कम होंगे, तो उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में जो लॉसेस है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखेंगे। यही नहीं, जो एसएसजी ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, अभी तक जो सबसे ज्यादा हाई रही थी वो लगभग 25-26% के आसपास रही थी। अब वो जो ग्रोथ है वापस आएगी वैसा ही मानना है यहाँ पे। और यही नहीं, जो ऑनलाइन सेल्स है उनकी ये काफी बढ़ सकती है, जो मार्जिन हैं कंपनी के वो यहाँ पे काफी बड़े, वैसे भी यहाँ पे काफी उम्मीद लगाई जा रही है। अगर मैं फिगर्स एंड फैक्ट्स बताऊं तो तीसरी तिमाही में जो एबिटा है लगभग 23-24% रहने का यहाँ पे अनुमान बन रहा है, और वहीं पे मुनाफा लगभग 40% रहने का अनुमान बन रहा है। तो ओवरऑल जो फिगर्स है मुनाफे के, मार्जिन के, वो बड़े सही लग रहे हैं। और जो एवरीडे वैल्यू ऑफर्स है यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो रोज बिक्री हो रही है वो रोज बढ़ रही है, और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये कंपनी ला रही है। तो बड़ा ही चीजी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे नए टारगेट्स जिस तरह से आते हैं वो यहाँ पे कंपल्शन हो जाता है कि आप ये स्टॉक खरीदें। ठीक है, हम तो चाहते हैं इसका शेयर के दाम बढ़े, लेकिन क्या प्रोडक्ट के दाम घटेंगे? हाँ, ये है, लेकिन जीएसटी कम हो गया है तो टैक्स इस पे घट गया है, तो वैसे इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो घट सकते हैं। आजकल पिज्जा को बड़ा और भी एक और चीज है जो QSR मार्केट है, जैसे ये लोग रिसर्च करते हैं 2021 तक लगभग 25,000 करोड़ हाँ। 25,000 करोड़ का QSR मार्केट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बर्गर और पिज्जा तो है, उसमें बर्गर और पिज्जा तो है। ठीक है, चीजें स्टॉक है और आप इसको ध्यान रखिए। जुबिलेंट फूडवर्क दिवांशी ने बेहतरीन रिसर्च करके बताई है आपको, और फिलिप्स कैपिटल की जो रिकमेंडेशन है वो 1845 के टारगेट की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो पूजा, टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में तो काफी जाना माना नाम है काफी डी मार्ट का, तो और कंजम्पशन से रिलेटेड बात हो ही रही है तो उस स्टोरी में एक ये भी स्टॉक है। और इसकी खास बात यह है कि 2002 से जब इससे शुरू हुई कंपनी तब से लेकर अब तक मुनाफा बहुत अच्छे हैं इसके मार्जिन भी। और इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए, कंपनी मुनाफे में रहे, रिटर्न अच्छे देते रहे, और इसके अलावा 5 सालों से लगातार डिविडेंड भी दे रही है, तो एक जाना माना नाम भी है टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में। अगर इसका स्टोर हम देखेंगे तो
75% स्टोर्स तो इसके यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार साइड में ही है, और वहां पर ही आगे कंपनी की क्षमता विस्तार करने की भी योजना है, क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि हमें वहीं से अच्छा खासा योगदान मिल रहा है, तो आगे भी वहीं से इनके एक्सपेंशन प्लान की योजना भी वहीं से आ रही है। कुछ अगर इनके नंबर्स को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, तो आने वाले समय में आय में इनकी सालाना 20 से 25% की ग्रोथ का अनुमान बताया जा रहा है। अगले 3 सालों में 300 स्टोर्स और खोलने की बात की जा रही है, जिसमें कि इनका जो फोकस आने वाले समय में ये देख रहे हैं टियर 4 सिटीज में देख रहे हैं। इसके अलावा सालाना 60 से 70 करोड़ के पूंजी निवेश की भी योजना है, तो कैपिटल एक्सपेंशन भी जिस तरीके से कर रही है, स्टोर्स जिस तरह से खोलने की बात कर रही है, हम आने वाले समय में देखेंगे कि मार्जिन में और भी अच्छी बढ़त यहाँ पर कुछ समय बाद देखने को मिल सकती है, और रिपोर्ट्स भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, और इनका जो मेन सेगमेंट है जो कपड़े हैं उससे ही करीब 80% से ज्यादा की आय आती है, और आने वाले समय में ये लोग उसी पर और भी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इनका पास्ट अच्छा था ही, आने वाला समय भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और अभी तो जो नतीजे आ रहे हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो भी काफी शानदार ही है, तो पॉजिटिव है सब कुछ। वी मार्ट के साथ ही एक स्टॉक है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते। ठीक है, इंटा स्टॉक मेरी तरफ से होगा रेडिको खेता। आप देखिए, जब पार्टी की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, तो पार्टी वाला फ्लेवर थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, तो रेडिको खेतान पे आप ध्यान रख सकते हैं। असल में ये वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, जिसके हवाले से हम इस सारी की सारी रिसर्च करके आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शेयर और चलेगा, क्यों चलेगा पहले जरा उसका वजह सुनिए, फिर मैं आपको टारगेट भी बताता हूँ। वोडका सेगमेंट में जो व्हाइट कलर की वोडका है, उसमें 50% मार्केट शेयर इनके पास ही है, यानी कि अगर भारत में वोडका बिक रही है तो 50% रेडिको खेतान का ही प्रोडक्ट होगा। दूसरा, ये खुद से अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, जिसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, ये इन्होंने काम शुरू कर दिया। काफी तक बिजली के प्लांट है, कुछ इनके बॉटलिंग प्लांट है, जो सुमित हमको बता रहे थे कि बकायदा ढक्कन भी खुद ही बनाती है अपनी कंपनी अपनी बॉटल्स के लिए। दूसरा, FY20 में ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त हो जाएगी। बाजार को ये सुनना बहुत पसंद है कि कोई कंपनी कर्ज मुक्त होने जा रही है। आप और सारी चीजें पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही बाजार ये सुनता है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो रही है, उसका रुझान ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो रहा होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंजन होता है किसी भी ग्रोथ को लेकर, की कंपनी उसमें कर्ज नहीं है, ये मैनेजमेंट का बयान है। दूसरा, गाइडेंस की बढ़ेगा कितना, 15% FY19 में इसमें ग्रोथ आएगी, और आपको ध्यान होगा FY19 में ही, यानी कि अगले साल जब का कैलेंडर ईयर 19 शुरू होगा तो चुनावी साल है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनावी साल के अंदर पर्टिकुलरली इस तरह के प्रोडक्ट्स की काफी मांग बढ़ जाती है। प्रीमियम सेगमेंट जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें करीब 2 से 3 नए प्रोडक्ट और लॉन्च करना चाहते हैं। ये न केवल विदेशों में बल्कि भारत में भी कुछ एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इस रिपोर्ट से हमको पता लगा कि इनका एक प्रीमियम ब्रांड है जिनका नाम है रामपुर सिंगल माल्टा ब्रांड, तो वो भारत में और विदेशों में दोनों ही जगह लॉन्च किया जाएगा। इसलिए खरीदारी की राय 495 के टारगेट के लिए वेंचुरा कह रहा है कि इसमें खरीदारी करें, तो रेडिको खेतान भी आप रख सकते हैं। हालांकि ये शेयर काफी चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसने काफी पैसा बना के दिया निवेशकों का पिछले 1.5 साल में, लेकिन अभी भी ये चल सकता है। 495 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड ये स्टॉक है जिसको खरीदना चाहिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो सभी जानते हैं, और इंटरेस्टिंग ये है डिम्पी कि ये सिर्फ अपेरल्स में ही नहीं है, यानी कपड़े हैं, फुटवेयर्स है, स्टेशनरी है, टॉयज है, अपने रोजमर्रा के जो ग्रोसरी का सामान होता है वो है, इन तमाम बिजनेस में कंपनी की प्रेजेंस है। वेस्ट साइड जोडियो, लैंडमार्क, ये इनके स्टोर्स हैं। जोडियो कपड़ों का स्टोर है और वेस्ट साइड भी अगेन कपड़ों का ही स्टोर है, एक्सेसरीज का स्टोर है। लैंडमार्क है जहां पर टॉयज, बुक्स, मैगजीन्स, स्टेशनरी का सामान मिलता है। टाटा क्लिक इनका एक ई कॉमर्स वेंचर है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, वहां पर भी आप अपेरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जारा, ये इनका किसी के इंटीडेक्स के साथ इनका टाइप है जारा में, और इसके अलावा स्टार, ये ग्रोसरी का सामान यहाँ पर मिलता है, अगेन ये भी एक टाइप है। लेकिन जो ये तमाम सेगमेंट्स हैं सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए कंपनी इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए एक्सपेंशन की भी काफी योजना बना रही है। अगले 5 साल में 30 नए स्टोर्स खोलने की बात हो रही है, और जो ये 30 नए स्टोर्स खुलेंगे, ये इनमें जो स्पेशली फोकस रहेगा वो वेबसाइट पर रहेगा और ज़ारा पर रहेगा, जहां पर सेल्स काफी अच्छी आ रही हैं। और अगले 10 सालों तक सालाना कंपनी की योजना है कि वो 150 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट कहां होगा, अगेन स्टोर्स खोलने में ही होगा, ये एक्सपेंड करेंगे, शायद अपनी प्रेजेंस और बढ़ाएंगे और शहरों में। और FY19 की जो पहली तिमाही थी, जो क्वार्टर वन रहा था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए, जहां पर जो इनके नेट मार्जिन थे वो 9% के पार पहुंच गए थे, जो कि अब तक के सबसे हाई मार्जिन थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप देखेंगे सबसे अच्छी बात जो हम आमतौर पर कम चर्चा करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रमोटर होल्डिंग। डिम्पी पिछले 6 सालों से आप देखेंगे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है, मतलब प्रमोटर्स को कोई हिस्सेदारी नहीं बेची है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक चले ना चले,
आपको नुकसान नहीं देगा, वो ये क्योंकि कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, पिछले 11 सालों से कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, तो अगर स्टॉक परफॉर्म करेगा जिसकी पॉसिबिलिटी है तो आपको रिटर्न के थ्रू पैसा मिलेगा, और अगर किसी वजह से स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं भी चल पाया मार्केट कंडीशन को देखते हुए तो डिविडेंड के जरिए भी आपको ये फायदा पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है उनकी ओर से 380 के टारगेट के साथ। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात जो दीपाली की पूरी रिसर्च में समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आई वो ये था कि आजकल ये ट्रेंडिंग शेयर, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से भी चल रहे हैं तो ऑनलाइन का ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, और एक कंपनी ने बड़े ही स्मार्टली अपना ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर रखा जिसको हम कहते हैं टाटा क्लिक, और इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी रही, काफी है 400% की ग्रोथ रही FY17 के अंदर। उम्मीद करते हैं ये ट्रेंड, क्लिक ही ट्रेंड आपको बेहद भाएगा, तो इसलिए ट्रेंड का शेयर आप रखें टाटा ग्रुप की कंपनी, इसका सीधा सीधा फायदा आपके पास आना चाहिए। ये जो शेयर है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट कंजम्पशन वाले नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, गोदरेज एग्रोवेट एग्री बिजनेस में बहुत ज्यादा यहाँ पे मानी जाती है, भारत की तो जान ही है एग्रीकल्चर, और इलेक्शन आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि श्रिम्प जिनका कारोबार यहाँ पे बहुत ज्यादा ठप था, यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत डल हो चुकी थी, तो एनालिस्ट का ये मानना है कि अब जो श्रिम की मार्केट है, जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे बढ़ सकती है सेकेंड हाफ में, इससे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें काफी बेहतर देखने को मिल सकती है। यही नहीं, जो एग्री प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है वो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है जैसे आपने कहा कि जो डेट कम करती है, डेट फ्री कंपनीज लोगों को बहुत पसंद है, गोदरेज एग्रोवेट का करंट जो डेट है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास है, जिसको मैनेजमेंट कम करके लगभग 200 करोड़ करने की कोशिश आने वाले 1 से 2 साल में करेंगे, तो ये स्ट्रीट को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और यही नहीं, आपको बता दूं कि जो पाम ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कर्नल पाम ऑयल है, वो उसमें बहुत बड़ी है इसकी डिमांड और बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड करती है, तो यहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा बिकी जाती है, तो यहाँ पे जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़े से सुधरते हुए दिख सकते हैं, और सबसे ज्यादा यही है कि यहाँ पे सेकेंड हाफ में एनालिस्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे मार्जिन सुधरेंगे और साथ ही जो वॉल्यूम्स है वो काफी सुधरते हुए दिखेंगे सारी प्रोडक्ट्स के। इसलिए 537 रुपए का टारगेट है, और ये टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटीज ने, दिवांशी ने आपको रिसर्च करके बताया, लेकिन कहते हैं भारत में सिर्फ 2-3 चलते हैं उस पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास हो जाता है, पहला टाटा और दूसरा बाटा। टाटा का शेयर तो बता दिया दीपाली ने ट्रेंड, और दूसरा बताने वाली बाटा। बाटा है अगला शेयर कंजम्पशन स्पेस से ही, और इसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए, 2018 में हमने देखा मार्केट काफी वॉलेटाइल था, लेकिन उस दौरान भी ये स्टॉक 52% चला, तो शानदार कमाई ये निवेशकों को भी देखा गया है, 10 सालों से लगातार डिविडेंड दे रही है, और हमने पहले भी कुछ शोज किए थे जिसमें हमने प्रमोटर होल्डिंग की भी बात की है, ये एक ऐसी कंपनी है 17 सालों से प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में घटी नहीं है, तो ये कुछ 3-4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि कंपनी के फेवर में काम करते, जाना माना ब्रांड भी है बाटा, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं जिस तरीके से अपने ब्रांड को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहा है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और कीर्ति मैंने जैसे फेसेस भी लेकर आया, उसके बाद अब आगे माना जा रहा है कि कस्टमर्स इनके पास वापस आ रहे, मतलब वो पुराना ओल्ड ब्रांड नहीं रह गया, अब ये यंगस्टर्स के बीच भी काफी पॉपुलर हो चुका है, मैनेजमेंट अभी पूरी तरह से तो कमेंट्री नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका फायदा मिलेगा जरूर उनको आने वाले समय में। तो अगला शेयर होगा बाटा, और तमाम जितने भी ब्रोकरेज हाउस है आउट परफॉर्म की ही रेटिंग दे रहे हैं, तो ये शेयर है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1272 रुपए का टारगेट है। पार्टी वाला और शेयर आपके सामने देते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स USL, इसका भी आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनियों में से एक है, कि एक सब्सिडरी भी है ये विस्की सेगमेंट, पहले आपको वोडका का बताया था, रेडिंगो का था, अब विस्की सेगमेंट का करीब 45% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी ने काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, अभी और भी लॉन्च करना चाहती है, कुल मिला के 66% इनका जो बिजनेस है आय है वो थोड़े प्रीमियम सेगमेंट के लीकर प्रोडक्ट से इनके पास आती है, और चुनावी साल है तो अपने आप में ट्रिगर है, बड़ा ट्रिगर है, मार्जिन को लेकर कोई दिक्कत नहीं चल रही है, गाइडेंस आगे जाके और बढ़ेगी, डबल डिजिट में ग्रोथ आएगी, तो सब कुछ यहाँ पे इसके लिए बेहतर दिख रहा है, और कहीं से कुछ खास प्राइसिंग को लेकर भी इश्यू नहीं है, ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स इसको अच्छा ही खरीदारी के समझ रही है, और कई बार तो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को आउट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में डाल रही है, जैसे CLS ने डाला 650 का टारगेट वो दे रहे हैं, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं, तो हमको यानी कि 4 सेंटाओं को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार।